स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्वाद का चस्का में। आज हम इसमें बताएंगे कि दही बड़े कैसे बनाते हैं। सबसे सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़ा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने ये 1 कप उड़द दाल को 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब आइए इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें ये 1.5 इंच कटा हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम ये ज़रा सा पानी ऐड कर देंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल, अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे दही बड़े को ढके हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, जो भी इसमें बचा हुआ था हम इसे अच्छे से डाल देंगे, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया है, तो चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर ये पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा काला नमक 1 छोटी चम्मच के करीब, ये थोड़ा सा जीरा। इससे क्या होगा कि आपके जो बड़े इसमें आप डालेंगे तलने के बाद, उसमें अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। तो हमारे ये तेल गर्म हो चुका है, इस टाइम पर हम इसमें 1-1 करके बड़े डाल देंगे। हमने ये सारे बड़े इसमें डाल दिए। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। हमारा एक साइड ही बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे, सावधानी से पलटें, ताकि आपके ऊपर तेल ना उड़ जाए। ये हमने सबको अच्छे से पलट दिया है। हमारा बड़ा धीरे धीरे फूलने भी लगा है। ये देखिए, इसमें हमने जो धनिया पत्ता और मिर्च डाला था, इसे कितना ये कलरफुल दिख रहा है। ये हमारा जो पानी था एकदम गर्म हो चुका है। इस टाइम पर हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारा बड़ा अब हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। हम सबको 1-1 करके प्लेट में निकाल देंगे। मैंने सबको निकाल लिया है। अब हम इसे यहाँ पर जो हमने गर्म पानी किया था उसमें डाल देंगे। अब हम इन सभी बड़ों को इसमें डाल देंगे पानी में। थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे डाल देंगे। हमारा दही बड़ा पानी में डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबा देंगे। अभी बहुत ही गर्म है, इसलिए इसे इस तरह से हम दबा के सारा पानी निकाल लेंगे। इस टाइम पर हम ये दही बड़े में ये दही डाल देंगे। पर ये धनिया की चटनी बनाई है, ये भी डाल देंगे। और यहाँ पर हमने ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, वो भी हम इस पर अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। जैसे टेस्ट के अनुसार आप और चटपटा चाहे तो और डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा काला नमक, ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल देंगे। ये ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।